दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रेवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में बात करने के लिए, जहां पर भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों आइए चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव के शिव मंदिर के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों मुक्तेश्वर धाम मंदिर जो आप लगभग नैनीताल हर आदमी आता है और हर आदमी मुक्तेश्वर घूमने जाता है, लेकिन मुक्तेश्वर धाम के बारे में हर किसी को इतनी जानकारी नहीं हो पाती है। मुक्तेश्वर धाम जो मंदिर है, सफ़ेद संगमरमर का शिवलिंग यहां पर दोस्तों मौजूद है। शिवलिंग के अलावा यहां पर भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष प्रदान किया था, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। दोस्तों मुक्तेश्वर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर आस्था एवं भक्ति का प्रमुख केंद्र है, जहां पर हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आया करते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों मुक्तेश्वर जाने में लगभग नैनीताल से 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है और मुक्तेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच का है, जब मौसम सुहावना और ठंडा होता है, दिन गर्मी के होते हैं और जबकि जो शामें होती हैं बहुत सुखद होती हैं। मई और जून ऐसे महीने हैं जब फूलों और फलों के बगीचे पूरी तरीके से खिल जाते हैं, जिससे शहर में रौनक और भी बढ़ जाती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई रोचक जानकारी लेकर, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सभी ट्रेवल्स। बाय बाय, टाटा।